Hello everyone, I am Karthika and we people were discussing French Revolution. So we people started the second topic which was the outbreak of the revolution. So ये जो है हम लोगों ने discuss कर लिया है थोड़ा सा, as you people can see on the screen. Now I'll be moving towards the leftover part of the topic. Let's just start with the leftover part of the topic. So as you people know, last हम लोगों ने देखा था that Bastille was destroyed. That's what we people discussed in the previous section. Now we people are going to discuss इसके बाद वाला जो भी है. So as we people know that France was going through turmoil and France के अंदर जो है bread के prices बढ़ गए. लोग जो हैं they were storming the shops और जो वहाँ के shopkeepers थे they were exploiting the whole situation. King ने कह दिया कि जो troops हैं वो Paris के अंदर चले जाएं. Bastille जो है वो लोगों ने destroy कर दिया है. So इस तरीके की जो कंडीशन है वो थी. सो कंट्री साइड में जो है एक रूमर फैल गया विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स. तो कंट्री साइड में एक र्यूमर फैल गया जिसके अंदर क्या था कि जो मैनर के अंदर रहने वाले लॉर्ड्स है, मैनर इट्स एन प्लेस जहाँ पर एक इस्टेट को कहा जाता है मैनर, उसके अंदर लॉर्ड जो होते हैं उनका घर और उनके लैंड्स कलेक्टिवली उनके इस्टेट को मैनर कहा जाता है. तो जो विलेज है उसके अंदर ये खबर फैल गई, मतलब एक र्यूमर सा फैल गया कि जो लॉर्ड्स हैं मैनर के वो लोग हायर कर रहे हैं ब्रिगेंड्स को ताकि वो डिस्ट्रॉय कर दें क्रॉप्स को, जो राइप क्रॉप्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर दें. दिस वॉज द र्यूमर. सो इस वजह से क्या है, लोगों के अंदर एक फियर आ गया. पेजेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट था इस चीज से वो कैसे खुद का बचाव करें. सो दे यू नो सीज्ड होज एंड पिच फॉर्क. सो होज और पिच फॉर्क जो है वो ले करके उन्होंने जो शैटो होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. ना व्हाट इज अ शैटो? शैटो इज अ कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन. तो पेजेंट्स ने क्या किया, उन्होंने शैटो पर हमला कर दिया. सो शैटो इज अ प्लेस जो कि एक कैसल जैसा होता है या एक कोई राजा का होता है या फिर कोई नोबलमैन उसको बिलोंग करता होता है ये शैटो. तो अगेन जैसे मैनर एक नोबलमैन का होता है वैसे शैटो भी एक किंग या फिर नोबलमैन का होता है. ठीक है, तो उन लोगों को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए शैटो. उन्होंने फिर लूटने शुरू कर दिए जो ग्रेन्स थे वहाँ पे, उन्होंने वो वहाँ से जाकर लेने शुरू कर दिए और उन्होंने बर्न करने शुरू कर दिए वो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर की जो मनोरियल ड्यूज होते हैं वो सारे जिसके अंदर होते हैं उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स ही जला दिए कि चलो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा. तो उन्होंने वो मनोरियल ड्यूज के जो रिकॉर्ड्स थे वो जला दिए. उसके बाद a large number of nobles because this was a situation जहाँ पे उनके manor को attack किया जा रहा है या उनके chateau को attack किया जा रहा है. तो जो noble है उन्होंने क्या किया, वो अपना घर छोड़ करके भाग गए और वो migrate कर गए neighboring countries के अंदर. So this was a whole situation there after the outbreak. This was what was going on. So this was the revolting situation in France. तो जब लुई 16 ने देखा कि भैया यहाँ पे तो अब रिवॉल्ट हो गया है, यू नो देयर इज अ कंडीशन वेयर माय सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू रिवॉल्ट. सो ही फाइनली गेव द रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली. सो ही डिसाइडेड कि अब तो मुझे रिकग्निशन देनी ही पड़ेगी नेशनल असेंबली को. रिमेंबर नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने बनाई थी जिनको मना कर दिया गया था जब उन्होंने प्रपोजल रखा था कि जो असेंबली है हर बंदे के पास एक वोट होना चाहिए और किंग ने मना कर दिया था. फिर उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई आफ्टर वॉकिंग आउट इन प्रोटेस्ट. सो जब उन्होंने अपनी असेंबली बनाई तो अब इस असेंबली को रिकग्निशन दी लुई 16 ने और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया द प्रिंसिपल दैट उनका जो पावर है उस पर अब कॉन्स्टिट्यूशन एक चेक रखेगा. सो दिस इज ऑल्सो वॉट ही एक्सेप्ट. Then, on the night of 4th August 1789, Assembly passed a decree abolishing the feudal system. So, 4th August 1789, you people can mark it in your book as one marker. So, इस time पे Assembly ने pass किया कि जो
फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिए जाएं, हर ऑब्लिगेशन हर टैक्सेस से. सो असेंबली पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. तो फ्यूडल सिस्टम को हटाने के लिए कहा गया. सो जो ये है आपका दिस टाइथ जो है, रिमेंबर जो टैक्सेस की हम बात करें तो टाइथ जो है वो इट वॉज अ टैक्स टाइथ, आप लोग जानते होंगे. अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि टाइथ इज अ टैक्स. ओके, सो ये जो टैक्स है जो टाइथ है उसे भी अबॉलिश किया गया और जो लैंड था चर्च के पास उसे कॉन्फिस्केट कर लिया गया, उसे ले लिया गया. सो एज अ रिजल्ट जो गवर्नमेंट है इट सीज एसेट्स. उन्होंने कितने एसेट्स अक्वायर करे जब उन्होंने चर्च से भी लैंड ले लिया, उनका कॉन्फिस्केट कर लिया. तो जब उन्होंने एस्टिमेट निकाला ये सब लेने के बाद चर्च से, तो कितना आया उनके पास, उनके पास एसेट्स आए अराउंड 2 billion livres. अराउंड 2 billion livres जो थे उनके पास इतने एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी आई. तो दिस वॉज द होल सीन देयर. So let's start with the notes part. अब notes जो है मैं आप लोगों को देने शुरू कर देती हूँ. तो कंट्री साइड में as we people know एक rumor जो है वो फैल गया that जो lords है उन्होंने brigands रखे हैं जो कि destroy कर देंगे crops को. So इस वजह से क्या peasants के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर आ गया. उस वजह से उन्होंने chateau जो है वो तोड़ने शुरू कर दिए, उनको वहाँ पे उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे documents जला दिए जिसके अंदर manorial dues के records थे. फिर जो noblemen हैं they fled their homes and they went to some neighboring countries, they migrated to neighboring countries. Okay. So now moving on to the countryside. In countryside, countryside में अगर हम लोग देखें तो खबर फैल गई village to village कि जो as I told you, so rumors. of crop destruction. By the lords of the manor spread. So ये वाली जो खबर है वहां पर फैल गई. इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो है वहां के जो peasants थे they started attacking the chateaus. Therefore peasants started attacking the chateaus और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो यहाँ पे जो chateaus है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक तरीके से, उनको लूटा गया और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जला दिए गए. सो जो नोबलमैन हैं दे फ्लेड द कंट्री. सो नोबल्स इन लार्ज नंबर, मैं नंबर के लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ बट आप लोग फुल इसको उससे लिखना चाहिए बिकॉज ये आप लोग टाइम का वो तो आप कर सकते हो बट बिकॉज आई एम गिविंग यू नोट्स तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. सो जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स हैं दे फ्लेड देयर होम्स, फ्लेड देयर होम्स एंड माइग्रेटेड टू neighboring to neighboring countries. So ये जो है हाल, ये countryside का ये हाल था. तो आप लोग
आई होप आप पूरा देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. सो दिस यू पीपल कैन पॉज द वीडियो, टेक डाउन द नोट्स एज पर योर विश. आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स ले सकते हैं. आई एम जस्ट पुशिंग माई नोटबुक अपसाइड. नेक्स्ट वी पीपल सी कि ये जो बिकॉज नाउ द किंग सॉ द रिवॉल्टिंग सिचुएशन. सो वॉट हैपन्ड, फेस्ड विद द रिवॉल्टिंग. अब क्योंकि जो रिवॉल्ट है वो सब्जेक्ट्स कर रहे थे, तो लुई 16 वॉज फेस्ड विद द रिवॉल्टिंग ऑफ हिज सब्जेक्ट. सो फेस्ड विद द रिवॉल्टिंग of his subjects, what Louis 16 did? Louis 16 gave recognition, he gave recognition to the National असेंबली. उन्होंने रिकग्निशन जो है नेशनल असेंबली को दे दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो उनकी पावर है इट वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड नाउ फ्रॉम ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सेप्टेड द चेक on his power by the constitution. So constitution जो है वो उस पे check रख सकते हैं, ये भी उन्होंने accept कर लिया. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि you people can pause the video, take down the notes. I am again shifting the notebook upward so that I can give you more notes. उसके बाद हम लोग देखते हैं that 4th August 1789, on 4th August 1789 के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो असेंबली है उसने पास करा abolition of the feudal system. So the assembly passed a decree to abolish feudal system of obligation and taxes. तो उन्होंने जो है ये abolish करने को कहा. Moving on forward, next क्या हुआ? Members of the clergy जो है उनको बोला गया कि वो अपनी privileges भी दे दें. Members of the clergy, members of the clergy was asked to give up their privileges, to give up their privileges. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टाइथ था, टाइथ को भी दैट वाज अ टैक्स आई टोल्ड यू अर्लियर. सो टाइथ को अबॉलिश किया गया और लैंड ले लिया गया चर्च से. सो टाइथ वो अबॉलिश्ड एंड लैंड owned by the church were confiscated. उनसे ले लिया गया.
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कॉन्फिस्केट किया गया ये लैंड, तो कितने के एसेट जो हैं वो लिए गए इनसे, चर्च से अराउंड 2 बिलियन लेवर्स, सो अराउंड 2 बिलियन लेवर्स एसेट्स वर अक्वायर्ड, तो इतना जो है वो अक्वायर किया गया चर्च से. सो दिस इज द होल डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक. तो इतना जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. नाउ वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द न्यू टॉपिक जो इसी का हिस्सा है. हम लोग एज यू पीपल होंगे, पीपल आर डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसका सब कैटेगरी जो है, सब टॉपिक इसका डिस्कस हम लोग करना शुरू करेंगे, विच इज फ्रांस बिकम अ फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दैट इज वॉट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस. सो वॉट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज दैट फ्रांस एज अ Okay, so the topic that we people are going to discuss is France as a free constitutional monarchy. So France becomes a constitutional monarchy जो है हम लोग उसको discuss करना शुरू कर रहे हैं, उस topic को जो है हम लोग discuss करना शुरू कर रहे हैं. So I'll just write the name of the topic and then we people can start it. So क्या हम लोग discuss करने वाले? Now we people are going to discuss 2.1. सो बिकॉज दिस इज अ सब टॉपिक, तो हम लोग एक सब टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं, विच इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. So this is what we people are going to discuss. France becomes a constitutional monarchy. As you people can see on the screen, this is what we people are going to discuss. So हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं डिस्कस करना. So जो नेशनल असेंबली है उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना इन द ईयर 1791. यू पीपल शुड नो कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब खत्म हुआ, उसको ड्राफ्ट करना जो है वो कब खत्म हुआ, इन द ईयर 1791. सो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था? इट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनार्क की पावर को लिमिट करना. देन जो उसकी दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. अब एक इंसान को पावर ना दे करके, यानी कि एक आदमी के हाथ में, यानी कि मोनार्क के हाथ में पावर सारी ना दे करके अब इस पावर को सेपरेट कर दिया गया, इस पावर को और इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. और जो आपकी फिगर 7 है आपकी बुक के अंदर, इट इज एक्सप्लेनिंग द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम हाउ इट यूज टू वर्क. सो यू पीपल कैन सी द फिगर 7 ऑन योर इन योर बुक एंड यू पीपल कैन सी कि जो किंग है नाउ ही वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने वाले थे इलेक्टर्स, और यानी कि जो लोग थे वो उसे इलेक्ट करते थे, लोग उन्हें वोट के थ्रू इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को. देन सॉरी, जो इलेक्टर्स हैं वो सेड रॉन्ग ईयर. सो जो नेशनल असेंबली है उसको वोट के थ्रू लिया जाता था. इलेक्टर्स जो थे यहाँ पर उनको जनता जो है वोट के थ्रू जो है चुना जाता था. देन वोट कौन करता था नेशनल असेंबली के लिए? उसके जो मेंबर्स है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, सिटीजन्स करते थे. एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे, और जो पैसिव सिटीजन्स थे जो कि अराउंड 3 मिलियन मैन, वेमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द एज 25, वो नहीं वोट करते.
सो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर इसको बांट दिया गया। जज जो है उसको भी वोट के थ्रू चूज किया जा रहा है। अगेन एक्टिव पार्टी जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इनको चूज करेंगे। आप लोग इस फिगर को देख सकते हो, दिस इज द सेवेंथ फिगर नेम्ड एज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। यू पीपल कैन सी दिस एंड यू पीपल कैन बेस्ड ऑन दिस फुल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू पीपल, आप लोग इस थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं इस फिगर को। ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो इट वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसने पावर किसके अंदर डाली लॉज बनाने की? नेशनल असेंबली के अंदर डाली, जो कि विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, दैट इज जो सिटीजन्स वोट करते थे फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज दी असेंबली। तो लोग क्या करते थे, पहले लोग इलेक्टर्स को चूज करते थे, फिर वो इलेक्टर्स असेंबली के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज करते थे। तो एक इनडायरेक्ट तरीका था असेंबली के मेंबर्स को चुनने का। ओके, देन वी पीपल सी कि हर सिटीजन जो है दे हैड द राइट, नॉट एवरी सिटीजन हैड द राइट टू वोट, ओनली किन के पास था राइट टू वोट? ओनली मैन अबव 25 years ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, उन्हें एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था। पहले तो एज है आपको 25 साल का होना चाहिए, फिर आप टैक्स पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कितना टैक्स? इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। जो लेबर है उसकी जो 3 दिन की तनख्वाह है, अगर आप उतना टैक्स पे कर सकते हैं तो आप एक्टिव सिटीजन है। 25 साल के हैं, एक्टिव सिटीजन है। वुमन नहीं है, एक्टिव सिटीजन है। दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ वोटिंग। सो देयरफॉर जो रिमेनिंग मेन और वुमेन थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, दे वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स। सो टू क्वालिफाई एज अ इलेक्टर देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपको वोट करना है, पहले अगर आपको एक इलेक्टर बनना है और फिर आपको असेंबली का मेंबर बनना है, तो आपको वही जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होते हैं ना, सबसे ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, आपको उनके ब्रैकेट में पहले जाकर बैठना पड़ेगा, को पहले उस कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा, तब जाके जो है आप ये काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल सिनेरियो बैक देन, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू वर्क। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आई जस्ट कम ऑन टू द डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पहले हम लोग इस फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नोट्स हम लोग ले लेते हैं कि जो नेशनल असेंबली है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब खत्म किया। सो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was completed in the year 1791। इस टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, इस टाइम तक खत्म कर लिया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव was to limit the power of the monarch। इसका main reason क्या था draft करने का, objective क्या था? monarch की power को limit करने का। और इसका और क्या कर सकते थे? power को distribute करना, instead of concentrating
power in one hand it separated and assigned it separated and assigned it to different institutions. कैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर बांट दिया गया पावर को, मनार्की से लेकर के लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. कैसे इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. तो इसके अंदर जो है वो पावर को बांट दिया गया. उसके बाद फ्रांस को एक इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया. सो देयरफॉर फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, किस तरीके से बना. अगर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आप किस तरीके से कह सकते हैं, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस पे क्वेश्चन आता है, तो दीज आर द रीजन दैट आई हैव एनलिस्टेड हियर. यू पीपल कैन सी दैट इस तरीके से जो है वो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. आप लोग जो है पॉज कर सकते हैं वीडियो, नोट्स ले सकते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 के अंदर जो है उन्होंने पावर वेस्ट किया, उन्होंने नेशनल असेंबली को एज यू पीपल नो पावर दिया. सो वी पीपल सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws. तो किसे दिया गया power to make laws? वो दिया गया in the national assembly. National assembly को जो है वो power दिया गया, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अब नेशनल असेंबली मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी. उसके बाद कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी, कि सिटीजन्स वोट करते थे पहले इलेक्टर्स के लिए. सिटीजन्स किसके लिए वोट करेंगे? सिटीजन्स used to vote for electors. और फिर जो electors हैं वो चुनते थे representatives National Assembly के. और and the electors chose the असेंबली. और इलेक्टर्स जो है वो असेंबली को पिक करते थे. देन वी पीपल सी सब सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था. नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट. सारे सिटीजन्स के पास तो राइट टू वोट नहीं था. किन किन के पास राइट टू वोट नहीं, पहले तो देखते हैं कि किसके पास राइट टू वोट था और फिर हम देखेंगे किन के पास राइट टू वोट नहीं था. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्लस आई विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग टॉपिक ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास.
सो वी पीपल हैव डिस्कस्ड दैट जो रिमेनिंग टॉपिक था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है एक रिवोल्ट का माहौल बना हुआ था, कि किस तरीके से जो है पहले हमने देखा कि पेरिस के अंदर दिक्कत हुई, उसके बाद हम लोगों ने देखा जो कंट्री साइड थी वहाँ पर भी हमने देखा कि दिक्कत शुरू हो गई. तो किस तरीके से कंट्री साइड में जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हुई, कंट्री साइड में एक र्यूमर फैल गया कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉर्ड्स ने कुछ लोगों को रखा है, तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने बचाव के अंदर जो शैटो है उनको अटैक करना शुरू कर दिया, जो नोबल है इस वजह से इन लार्ज नंबर उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और वो माइग्रेट कर गए नेबरिंग कंट्रीज के अंदर. फिर ये जब सिचुएशन देखी रिवोल्ट की सिचुएशन बन गई है कि मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिवोल्ट करें, तो लुई 16 ने क्या किया, उन्होंने रिकग्निशन दे दी नेशनल असेंबली को और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन मेरी पावर पर चेक रख सकता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने पास किया एक डिग्री जिसके अंदर उन लोगों ने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए कहा. नेक्स्ट वी पीपल सी कि जो मेंबर्स हैं क्लर्जी उसके दे वर ऑल्सो अगेन आस्ट टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. क्लर्जीज को कहा गया कि आप अपने प्रिविलेजेस दे दीजिए और जो टाइड है दैट्स इन टैक्स उसको अबॉलिश किया गया और जो लैंड्स हैं जो चर्च ओन करता था उन्हें कॉन्फिस्केट कर लिया गया और जो लिवर है कितने लिवर के एसेट्स जो है उनसे ले लिए गए, अराउंड 2 बिलियन लिवर्स. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी पीपल सी हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना कब तक खत्म किया गया, अराउंड द ईयर 1791 तक इस चीज़ को खत्म किया गया. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, लिमिट करना मोनार्की पावर्स को और जो पावर है मोनार्की है वो एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना करके एक इंसान में सारी पावर ना दे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर को सेपरेट कर दिया. कैसे सेपरेट किया, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस में पावर को बांट दिया जैसे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. मूविंग ऑन फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी लॉ बनाने की, किसको, नेशनल असेंबली को. अब जो नेशनल असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी, तो कैसे इलेक्ट की जाती थी, पहले सिटीजन्स जो हैं वो उन लोगों को चुनते थे जो कि इलेक्टर्स हैं, फिर इलेक्टर्स आगे असेंबली को चूज करते थे. सो देयरफॉर इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्टिंग. और उसके बाद जो सिटीजन्स हैं सबके पास तो राइट टू वोट नहीं है, तो कौन थे वो लोग जो राइट कर सकते, राइट टू वोट जिनके पास था और कौन किसके पास राइट टू वोट नहीं था, दिस इज व्हाट आई एम गोना डिस्कस. ये जो डिस्कशन है हम लोग अब इसको हम करेंगे like in my next video. So this was all for this video. Thank you everyone.